नहीं है क्योंकि वो अपने और मैंने कहा चले इसमें जरा खूबसूरत नॉलेज बांटते हैं जिससे जरा लोगों की जिंदगी जो है वो आसान हो जाए हमारे पास जब माइक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स की बात की जाती है एक ऐसा मिनरल है अंडर जिसको इतनी ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए क्योंकि ये वो ट्रेस मिनरल है जो जिसमें सबसे ज्यादा इंजाइम्स के रिएक्शंस करने में इन्वॉल्व है इसका मतलब है कि ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को अगर कम हो तो बयक वक्त अफेक्ट कर सकता है और मैं बात कर रही हूँ जिंक की आपके पास जब डायबिटीज कंट्रोल डायबिटीज मैनेजमेंट की बात की जाती है डाइट लाइफ की बात की जाती है तो अक्सर मैनेजमेंट में जिंक की बात नहीं की जाती है मैं आपको ये बता दूं कि डायबिटीज से पहले जो स्टेज होती है प्री डायबिटीज और प्री डायबिटीज से पहले भी जो होता है इंसुलिन रेजिटेंस यानी सबसे पहले आपको फैटी लिवर होना शुरू होता है आप इंसुलिन रजिस्टेंट होना शुरू होते हैं फिर होते फिर डायबिटिक होते हैं जिंक आपके पास बड़ा की रोल प्ले करता है बल्कि सप्लीमेंटेशन की तो नौबत ही नहीं आती आप अपनी डाइट में जिंक का ख्याल रखें और आप बदपरहेजी ना करें तो आप प्री डायबिटीज से ही वापस जा सकते हैं बल्कि डायबिटीज केसेस मेरे साथ पेशेंट्स के रिवर्स होते हैं आपकी आ, आ, जो आ, वाइट शुगर है जो काब्स है जो वाइट ब्रेड है जो जंक फूड है ज़रूरत से ज़्यादा ये जो आप कार्बोहाइड्रेट और आप जंक लेते हैं मैं आपको बता दूं आपकी बॉडी से जिंक को डिप्लीट करता है एक तो जब आप प्री डायबिटिक हो गए हैं आपका पेंक्रियाज वैसे ही ठीक तरह काम नहीं कर रहा हैं क्योंकि जिंक एक बड़ा ज़बरदस्त एंटा है तो जब आप डायबिटिक हो गए हैं बॉडी में ऑक्सीडेंट्स नुकसान पहुँचाने वाली जो रेडिकल्स हैं उसकी तादाद ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से एंटा को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है आप जब उसमें जिंक को भी ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़े एक तो वैसे ही आपके पास जिंक कम हो रहा है ऊपर से जब आप बाहर से वाइट ये सब कुछ लेंगे तो आपके पास जिंक फिर और ज़्यादा कम होगा तो अल्टीमेटली uh, फिर पेंक्रियास फिटीक की तरफ चला जाता है बीटा सेल्स बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं और आपकी इंसुलिन की डोजेस बढ़ती जाती है दूसरी जो जिंक की बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात करने लगी हूँ हमारे पास जब मसल स्ट्रेंथ की बात होती है तो इस बात पर इतना गौर नहीं किया जाता है खास करके मैं आपको बता दूँ आपके जो टांगों के मसल्स हैं वो वाले मसल्स खास एथलीट्स को हेल्प करते हैं रनिंग में आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं आपके काफ मसल्स वो जिंक को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आप मसल स्ट्रेंथ में मैगनीशियम की भी बात की जाती है विटामिन डी की बात की जाती है प्रोटीन की बात की जाती है नेसेसरी काव लेने बात की जाती है बात नहीं की जाती है कि आपके काफ़ मसल्स को स्ट्रेंथी नहीं मिल सकती है, जब तक आप अपनी डाइट में जिंक इंक्लूड नहीं करते हैं ये बात कोई मिथ नहीं है कि जिंक लेने से आपकी फ़र्टिलिटी बूस्ट होती है जिंक आपके टेस्टोस्ट्रॉल लेवल्स को बूस्ट करता है बल्कि अगर जिंक कम हो तो टेस्टोस्ट्रॉ लेवल्स भी कम हो सकते हैं लिबिडो यानी सेक्शुअल डिजायर भी आपके पास कम हो सकती है बल्कि हाइपोगैनाडिजम भी हो सकता है टेस्टिकल्स की श्रिंकेज भी जो है वो होना स्टार्ट हो सकती है और इसके साथ साथ क्या आप जानते हैं कि कोविड में बहुत सारे लोगों को जब उन्होंने कोविड से रिकवर किया उनके जायके का टेस्ट क्यों चला गया क्योंकि आपके जायके के टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास जिंक जिंक आपके पास आपके थाइमस ग्लैंड में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यूनिटी के सेल्स एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स बनाने के लिए जब आपको कोविड हुआ या कोई भी इन्फेक्शन होती है तो ज़ाहिर है आपकी बॉडी को टी सेल्स एंटीबॉडीज़ इम्यूनिटी के सेल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है जिन लोगों को कोविड हुआ और जिनकी बॉडी में जिंक उतना ज़्यादा नहीं था यानी जिंक की स्टोरेज खत्म हो गई तो वो जिंक सारे का सारा इस्तेमाल हो गया थाइमस में टी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाने में अब उन्होंने डिजीज़ से तो रिकवर कर लिया लेकिन क्योंकि जिसम में जिंक कम था तो उसको जिसम ने किस तरह दिखाया जायका आपका चला गया मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका कोविड की रिकवरी से जायका गया हुआ था मैंने उनकी जिंक सप्लीमेंटेशन तीस मिलीग्राम डेली स्टार्ट कराया उनका जायका वापस आया क्योंकि बॉडी में जिंक दोबारा जो है आपके पास रिस्टोर हो गया वाइटामिन ए हमें पता है इम्यूनिटी में भी इन्वॉल्व है रिपोर्डक्शन में भी इन्वाल्व है स्किन में भी इन्वॉल्व है विजन में भी इन्वॉल्व है वाइटामिन ए फंक्शन कर ही नहीं सकते अगर बॉडी में जिंक ठीक नहीं है क्योंकि वो अपनी एक्टिव फॉर्म में ही नहीं कन्वर्ट हो सकता है लास्ट मिसकनसेप्शन जो दूर कर दूँ लोग जिंक के लिए डाइट में भागते हैं ग्रेन्स की तरफ नट्स की तरफ सीड्स की तरफ हाँ वो उसमें है लेकिन ग्रेन्स नट्स और सीड्स आपको तब जिंक प्रोवाइड करते हैं नट्स और सीड्स खास करके अगर वो अच्छी तरह ग्राइंड हुए मेरे प्रोडक्ट्स आपके पास ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर मेन वुमेन और, और ब्रेन टाइट में ग्राइंडेड लिंक मैं दे दूँगी कॉमेंट सेक्शन में पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है या फर्स्ट सोर्स आपके पास ये आप रेड मीट से लें सबसे ज्यादा जिंक उसमें है नट्स और सीड्स से आप क्यों नहीं लेते हैं जब तक वो ग्राइंडेड फॉर्म में ना हो या अच्छी तरह भिगोए ना हो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने तैयार किए हुए हैं क्योंकि अदरवाइज उसमें एंटा फाइटिक एसिड बहुत ज्यादा होता है वो जिंक को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता है आई ये वीडियो आप लोगों के बहुत